हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विपुल सुबे और मेरी चैनल विपुल सुबे में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो में हम लोकल अट्रैक्शन का एक सम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ लोकल अट्रैक्शन। मेरे हिसाब से आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ ज़रूर चेक कर लेना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस लाइन की फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री हो रहा है, उसी लाइन के दोनों स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ए और बी लोकल अट्रैक्शन फ्री है, सी और डी पे लोकल अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ऊपर से लिए हुए फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग और बी ऊपर से लिए हुए फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग ट्रू है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो सही है। ठीक है, तो ए ऊपर से फॉर बेयरिंग ऑफ ए भी मिलेगा और बैक बेयरिंग ऑफ डी ए, जबकि बी स्टेशन पर से फॉर बेयरिंग ऑफ बी सी और बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, ये चार बेयरिंग्स हमें मिलेंगे जो सही है, ट्रू है। तो लोकल अट्रैक्शन के सम में स्टार्ट कहाँ से करना है, सभी को इसी बात से दिक्कत होती है। तो हमें स्टार्ट वहीं से करना है जो बेयरिंग ट्रू है, तो और उसके सामने गलत बेयरिंग है जिसे करेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि बी सी की फॉर बेयरिंग ट्रू है, सही है, और उसके सामने बैक बेयरिंग करेक्ट करनी बाकी है जो गलत है, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, ट्रू फॉर बेयरिंग ऑफ बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री 48 मिनट, ये सही है। अभी हमें मालूम है फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है, तो देयरफॉर करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री 48 मिनट प्लस 180 डिग्री। तो क्या किया हमने, बी सी की फॉर बेयरिंग में 180 ऐड किए तो बी सी की बैक बेयरिंग मिलेगी जो सही होगी, करेक्टेड होगी। तो कितना होगा, 180 प्लस 60 240 डिग्री 48 मिनट, ये करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ बी सी मिल गया, जबकि एक्चुअल बैक बेयरिंग कितना है 237 डिग्री। तो इस पर से हमें लोकल अट्रैक्शन के एरर कितनी है वो मिलेगी। तो वो फाइंड करने के लिए हमें एक सीक्वेंस याद रखना है, देयरफॉर लोकल अट्रैक्शन एट स्टेशन सी इज इक्वल टू, तो सीक्वेंस क्या रखना है, करेक्टेड बेयरिंग माइनस एक्चुअल बेयरिंग। तो करेक्टेड बेयरिंग कितना है 240 डिग्री 48 मिनट माइनस एक्चुअल बेयरिंग कितना है 237 डिग्री। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर आपने गलत लिया तो आपका आंसर गलत आएगा, यानी प्लस माइनस में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा 240 माइनस 237 यानी 3 डिग्री और ये 48 मिनट। तो लोकल अट्रैक्शन का एरर हो रहा है 3 डिग्री 48 मिनट सी स्टेशन पर, तो इसका इम्पैक्ट जाएगा सी ऊपर से, इसका इम्पैक्ट कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो फॉर बेयरिंग ऑफ सी डी के लिए। तो देयरफॉर करेक्टेड फॉर बेयरिंग ऑफ सी डी इज इक्वल टू 188 डिग्री 12 मिनट प्लस, ये प्लस है तो यहां प्लस करना है, अगर ये माइनस होता तो इसमें से माइनस करना पड़ता। तो 188 डिग्री 12 मिनट प्लस 3 डिग्री 48 मिनट, तो इसका आंसर होगा ये 12 इसमें ऐड हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ये 4 डिग्री 4 डिग्री प्लस 182 डिग्री। तो 192 डिग्री ये हमारा करेक्ट आंसर आया फॉर फॉर बेयरिंग ऑफ सीडी। तो ये करेक्टेड फॉर बेयरिंग ऑफ सीडी 192 डिग्री मिल गया। अब हमें आगे जाना है, ये फॉर बेयरिंग करेक्टेड मिल गई तो इस पर से बैक बेयरिंग करेक्टेड मिलेगी, तो देयरफॉर करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ सीडी इज इक्वल टू, तो
फॉरवर्ड बेयरिंग वर्सेस बैक बेयरिंग लेना है तो प्लस और माइनस 180 करना है, 192 डिग्री 180 से ज्यादा है तो 192 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा 12 डिग्री। ठीक है, जो मिला करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ सीडी। नाउ हमें लोकल अट्रैक्शन फाइंड करना है, तो लोकल अट्रैक्शन एट स्टेशन डी इज इक्वल टू क्या करना है, करेक्टेड बेयरिंग माइनस एक्चुअल बेयरिंग। तो करेक्टेड बेयरिंग 12 डिग्री है और एक्चुअल बेयरिंग 14 डिग्री 12 मिनट है। ठीक है, तो करेक्टेड बेयरिंग माइनस एक्चुअल बेयरिंग इज इक्वल टू 12 डिग्री माइनस 14 डिग्री 12 मिनट्स इज इक्वल टू माइनस 2 डिग्री 12 मिनट्स। ये लोकल अट्रैक्शन का एरर आया है जिसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है उसके आगे की फॉर बेयरिंग में, तो देयर फॉर करेक्टेड, तो अभी हमें करेक्शन करना है फॉर बेयरिंग ऑफ डीएम। ठीक है, ये गलत एक्चुअल बेयरिंग है वो गलत है, तो करेक्टेड फॉर बेयरिंग ऑफ डीए इज इक्वल टू उसको कैरी फॉरवर्ड आगे करेंगे तो 212 डिग्री 48 मिनट माइनस 2 डिग्री 12 मिनट इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 48 में से 12 जाएंगे तो 36 मिनट्स और 212 में 2 जाएगा तो 210। तो ये आंसर हमारा आया करेक्टेड फॉर बेयरिंग ऑफ डीए जो 210 डिग्री 36 मिनट है। अभी आप देखेंगे कि ये बेयरिंग तो ऑलरेडी सही थी, करेक्ट है क्योंकि स्टेशन ए पर से ली हुई है और स्टेशन ए पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, फिर भी हम इस पर से बैक बेयरिंग फाइंड करेंगे जो हमें बताएगा कि ये आंसर हमारा सही है, चेक मिलेगा, तो हम इस पे 180 माइनस करेंगे तो हमारी बैक बेयरिंग मिलेगी। देयरफॉर बैक बेयरिंग ऑफ डीए इज इक्वल टू 210 डिग्री 36 मिनट माइनस 180 डिग्री करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, आप देख सकते हो 210 माइनस 180 तो 30 डिग्री और ये 36 मिनट, तो ये हमारा चेक भी होगा। क्लियर, आप देख सकते हो जो एक्चुअल बेयरिंग है और वो सही है वही उसी के साथ हमारे आंसर मैच हो रहा है, यानी ये हमारा कैलकुलेशन ओके है। ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स ऑल क्लियर। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सबको इसी बात से दिक्कत होती है कि लोकल अट्रैक्शन के सम में स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा हर एक लाइन के फॉरवर्ड बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस जो हमने यहाँ पे फाइंड करके ऑलरेडी रखा था और लास्ट वीडियो में हमने देखा था, वो वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसकी लिंक आप एक बार जरूर देखें। तो लाइन ए बी के फॉरवर्ड बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री, लाइन बी सी का फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस 177 डिग्री 48 मिनट हो रहा है, यानी 180 नहीं हो रहा है, वैसे ही सी डी में भी नहीं हो रहा है, डी ए में भी नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ लाइन ए बी के फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 है। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन फ्री है। अभी सी और डी के लिए आप क्या सोचेंगे कि क्यों नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि बी सी में बी तो ऑलरेडी लोकल अट्रैक्शन फ्री है, तो इसका मतलब है कि सी पर ही होना चाहिए क्योंकि उनके फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं हो रहा है, तो सी पे लोकल अट्रैक्शन है। अभी सी डी में भी सी आ रहा है, यानी हो सकता है डी हो सकता है डी नहीं भी हो सकता है, मगर डी ए से हम क्लियर बोल सकते हैं कि ए तो ऑलरेडी लोकल अट्रैक्शन फ्री है और उसके फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि डी पर भी लोकल अट्रैक्शन है, यानी सी और बी जिसपे लोकल अट्रैक्शन होगा और सी और डी पर से ली हुई फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग गलत होगी और उसके लिए हमें करेक्शन करना है। ठीक।